वेलकम टू दी 48th वीक ऑफ नडी न्यूज एंड इस वीक भी हमारे पास कुछ और नए इंटरेस्टिंग अपडेट्स आए हैं, जैसे कि एंड गेम में नया बस्टर आर्मर, अवेंजर्स की नई टीम, डिज्नी फॉक्स डील पे रोक और ऐसी ही और कई अपडेट्स। तो पूरी तरह से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहली अपडेट है शज़ाम की मूवी से। तो कुछ नए सोर्सेस से ये पता चला है कि इस मूवी में हमें सुपरमैन का कैमियो देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हेनरी कैविल ने अपने सीन की शूटिंग की थी, लेकिन अभी ये श्योर नहीं हुआ है कि इस सीन को मूवी में यूज किया जाएगा या नहीं। अगला एक छोटा सा अपडेट है ब्लैक विडो के आने वाले सोलो मूवी से। तभी ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि इस मूवी की स्क्रिप्ट पूरी तरह से लिखी जा चुकी है एंड स्क्रिप्ट को प्रॉपर रूप और फाइनल टच देने के लिए राइटर नेट बिंसन को हायर किया गया, जहां वो स्टोरी के कई पार्ट्स को फिर से लिखेंगे। ब्लैक विडो एमसीयू की सेकंड मूवी होगी जिसमें एक फीमेल सुपर हीरो पे फोकस किया जाएगा। फर्स्ट पे ऑब्वियसली कैप्टन मार्वल है। अब राइटर का जिक्र हुआ ही है तो एक और ऐसा ही अपडेट है लोकी के डिज्नी प्लस शो से। वैसे अभी तक सिर्फ लोकी का ही शो ऑफिशियली कंफर्म किया गया है एंड ये डिज्नी के नए स्ट्रीमिंग सर्विस डिज्नी प्लस पे रिलीज किया जाएगा एंड इसकी स्टोरी लिख रहे हैं राइटर माइकल वॉल्ड्रन। इससे पहले माइकल ने रिक एंड मॉर्टी जैसे पॉपुलर सीरीज को भी लिखा है, तो अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकी जैसी सीरीज भी ऑसम होने वाली है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जो कि कैप्टन मार्वल का रोल कर रही एक्ट्रेस ब्री लार्सन ने शेयर किया, जहां हम उन्हें 5000 पाउंड की जीप को धक्का देते देख सकते हैं। You can do it one foot just like that. Come on, come on, come on. उनके हिसाब से कैप्टन मार्वल के रोल के लिए प्रिपेयर होने के लिए उन्होंने कई तरह के अलग अलग टेक्निक और ट्रेनिंग अपनाए थे और उन्हीं में से एक ये भी था। अगला एक छोटा सा अपडेट है एमसीयू के आने वाले मूवी इटरनल से। तो कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मूवी की शूटिंग इस साल अगस्त में स्टार्ट कर दिया जाएगा। पहले ऐसे रूमर्स थे कि शूटिंग नवंबर में होगी, बट अभी के लिए ये अगस्त है। सबसे पहले शूटिंग अटलांटा में होगी और ये मूवी एमसीयू के सारे मूवीज का प्रीक्वल होगी। नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है मार्वल कॉमिक्स से। तो एक नई कॉमिक्स आने वाली है सैवेज अवेंजर्स, जिसमें अवेंजर्स के बिल्कुल ही नए और यूनिक टीम को लाया गया है, जिसमें हमें लीड में वुल्वरीन, वेनम और पनिशर देखने को मिलेंगे। साथ ही इलेक्ट्रा, कोनन द बारबेरियन और ब्रदर वुडू जैसे कैरेक्टर्स भी इस टीम का हिस्सा हैं। तो एक तरह से ये खूनखार अवेंजर्स होने वाले हैं। आपको अवेंजर्स का ये नया टीम कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगला अपडेट है बेन एफ्लेक की तरफ से। तो वो जिमी किमल के शो पे आए थे एंड वहाँ उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि वो बैटमैन के रोल को अलविदा कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि ऐसा क्यों। You will not be Batman again. I am. Yeah, I have decided. No, thank you. Thank you very much. You know, I tried to direct a version of it and worked with a really good screenwriter, but just kind of couldn't come up with a version that couldn't crack it. And so I thought it was like, you know, time to let someone else take a shot at. They got some really good people. वैसे जल्दी हमें बैटमैन की एक सोलो मूवी मिलने वाली है, बट अभी तक ये रिवील नहीं किया गया कि नया बैटमैन कौन बनेगा। अगला छोटा सा अपडेट है डिज्नी फॉक्स डील की तरफ से। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इतने बड़े डील को पूरी तरह से कंप्लीट होने में टाइम लगता है एंड इसे हर कंट्री से अप्रूवल भी लेना पड़ता है एंड इसी में एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया है। ब्राजील में फिलहाल ये डील पे होल्ड डाल दिया गया है, सो मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ सॉर्ट आउट तो हो जाएगा, लेकिन हमें इस डील के कम्प्लीट होने में थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट एक रूमर है जो कि लास्ट पूरा वीक बहुत चला, जहां रूमर्स के अकॉर्डिंग एक्समैन के रोल में हैरी पॉटर से फेमस हुए एक्टर डैनियल रेडक्लिफ को दिया जाएगा। वैसे ये बात रूमर ही रहे तो ज्यादा सही रहेगा, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि कॉमिक्स में वुल्वरीन का हाइट 5 feet 3 inches था एंड वहीं डैनियल रेडक्लिफ का हाइट 5 feet 5 inches है, तो एक तरह से कॉमिक एक्यूरेट वुल्वरीन वो बन सकते हैं। अब रूमर्स का जिक्र हुआ ही है तो कुछ मंथ पहले ये रूमर्स आए थे कि माइकल बी जॉर्डन DCEU में सुपरमैन का रोल करने वाले हैं एंड इसी पे रिएक्ट करते हुए उन्होंने बोला, But the yeah. chance to be Superman I mean, it's cool. in your skin. I'll be Calvin Ellis. You know, there's another version of Superman that from Earth 23. I'm a comic book guy. Okay. You know, so Calvin Ellis is like, you know, Earth 23. ये सिर्फ rumor है, लेकिन अगर उन्हें मौका मिला तो वो Clark Kent का Superman नहीं बनेंगे, बल्कि Earth 23 के Calvin Ellis के Superman के version को play करना चाहेंगे, जो कि एक alternate version of Superman है। आप सबको क्या लगता है, एक alternate version के Superman को introduce करना चाहिए या नहीं? Next एक interesting website है Captain Marvel की movie का, जहां पूरे website को वैसे ही design किया गया है जैसा कि 90s के वेबसाइट होते थे। एक बार आप सब जरूर विजिट करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट एक अपडेट है जोकर और हार्ली क्विन से। तो सुसाइड स्क्वाड में हमने इन दोनों कैरेक्टर्स को एक साथ देखा था, उसके बाद ऐसे रिपोर्ट्स थे कि जोकर और हार्ली क्विन पे सोलो मूवी बनेगी, लेकिन अब ये कैंसिल कर दिया गया। रिपोर्ट्स ऐसे भी हैं कि शायद जैरेड लेटो जोकर के रोल के लिए रिटर्न नहीं करेंगे। इसी के साथ जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जेम्स गन सुसाइड स्क्वाड को रिबूट करने वाले हैं एंड मोस्ट ऑफ द कास्ट को रिकास्ट किया जाएगा।
तो नए रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें विल स्मिथ के डेडशॉट और मार्गरेट रॉबी की हार्ली क्विन भी मूवी में नहीं दिखेगी और इन दोनों कैरेक्टर्स के लिए किसी नए एक्टर्स को कास्ट किया जाएगा। अब जब जैरेड लेटो का जिक्र आया ही है तो मैंने पहले आपको बताया ही होगा कि उनको सोनी के आने वाले मूवी मॉर्बियस में कास्ट किया गया है एंड अब उन्होंने ऑफिशियली रिवील कर दिया है कि मूवी की शूटिंग लंदन में स्टार्ट होगी। मॉर्बियस सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स का एक स्पिन ऑफ मूवी है जैसे कि वेनम मूवी था। अगले दो अपडेट्स शज़ाम मूवी के हैं जहां कुछ नए इन्फॉर्मेशन रिवील हुए हैं। सबसे पहले तो ये कि मूवी में हमें विलेन के रूप में 7 डेडली सिंस भी देखने को मिलेंगे। अब उनका रोल छोटा होगा या बड़ा ये मूवी आने पे पता चलेगा। और इसी के साथ शज़ाम के ट्वाइस से ये रिवील हुआ है कि मूवी में हमें शज़ाम फैमिली भी देखने को मिल सकती है जिसे कॉमिक्स में द मार्वल फैमिली बोला जाता है। अगला एक नया ट्रेलर है गॉथम के फाइनल सीजन का जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इस ट्रेलर में मेनली जोकर पे फोकस किया गया है। पूरे ट्रेलर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट छोटा सा अपडेट कैप्टन मार्वल से है जहां इस मूवी का रन टाइम रिवील कर दिया गया। ये मूवी 2 hours 4 minutes की होने वाली है। वैसे एंड गेम का रन टाइम फिलहाल 3 घंटे का रखा गया है बट शायद मूवी को और छोटा किया जाए। नेक्स्ट कुछ लीक्स और अपडेट्स हैं अवेंजर्स एंड गेम से। सबसे पहले तो कुछ और नए टॉयज के फोटोज लीक हुए हैं जिसमें हमें कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन फिर से उसी व्हाइट कॉस्ट्यूम में दिखे। फैंस के अकॉर्डिंग ये सूट क्वांटम रियल में ट्रैवल करने के लिए है। इसी के साथ इस व्हाइट सूट के कुछ और नए मर्चेंडाइज ऑफिशियली भी रिवील किए गए जिसमें ये जैकेट और कैप है। अब इससे तो ये कंफर्म हो जाता है कि मूवी में हमें ये नए आर्मर जरूर देखने को मिलेंगे। इसके बाद कुछ और टॉयज के फोटोज लीक हुए जहां सबसे पहले तो हमें नया और एडवांस क्विंजेट देखने को मिला, साथ ही वॉर मशीन का एक बस्टर आर्मर भी। यहां हम वॉर मशीन को ऑटराइडर्स से लड़ते देख सकते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली वकांडा के बैटल के बाद बहुत सारे ऑटराइडर्स अभी भी जिंदा बच गए हैं और एंड गेम में हमें वो फिर से दिखेंगे। एंड फाइनली कुछ अचीवमेंट्स हैं। सबसे पहले तो शूरी के रोल के लिए एक्ट्रेस लेटिटा राइट को बाफ्टा की तरफ से राइजिंग स्टार का अवार्ड मिला है। इसी के साथ म्यूजिशियन और कंपोजर लुडविक गोरेंसन को ब्लैक पैंथर की म्यूजिक के लिए बेस्ट स्कोर साउंड ट्रैक फॉर विजुअल मीडिया का अवार्ड ग्रैमी की तरफ से मिला। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। सो ये थी इस वीक की नडी न्यूज। होप सो कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करो एंड ऐसी और अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक ट्विटर और इंस्टा पे फॉलो करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। शज़ाम की ओरिजिन जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड रियलिटी स्टोन के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।